धान की फसल पर एक बहुत ही बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है। जो धान की बालियां हैं, दाने सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक तरीके से भर नहीं पा रहे हैं और बीच बीच में धान की जो बालियां हैं पीलापन नज़र आ रहा है, तो ये है बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट। तो इसकी रोकथाम हम धान की फसल पर किस प्रकार कर सकते हैं? और अचानक एक और समस्या, एक और रोग डिजीज़ देखने के लिए मिल रहा है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। जो पत्ते ऊपर से पीले पड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, और साथ ही बैक्टीरियल पुष्प गुच्छ ब्लाइट की रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं? बालियां यदि सूख रही हैं, बालियां लाल या फिर पीली पड़ रही हैं, और साथ ही हल्दी रोग की रोकथाम आप किस प्रकार कर सकते हैं, और वह कौन सा अच्छा टेक्निकल बेस्ट फार्मूलेशन है जो आप अपनी धान की फसल पर यदि स्प्रे करते हैं तो धान की जो बालियाँ होती हैं सूखने की समस्या आ रही है वह भी नहीं आएगी और रिजल्ट भी भरपूर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। धान की फसल पर बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट और साथ ही एक और समस्या है VLV यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो इसकी रोकथाम करने के लिए और साथ ही धान की फसल पर जैसे VLV बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, वेल्ट, सीथ ब्लाइट जैसी बीमारी फंगस वैरायटी में ही आते हैं, तो रेजिस्टेंस वैरायटी का आपको चुनाव करना है। तो किसान भाइयों के सवाल हैं कि क्या यह बीमारी, यह रोग आने के बाद क्या रोकथाम हो सकती है? तो जवाब है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट आ जाने के बाद, यानी बहुत ही बड़ी मात्रा पर हमारी फसल पर आ चुका है, तो ऐसी सिचुएशन पर कोई भी दवाई 100% रिजल्ट नहीं देगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब हमारे खेत पर हल्का फुल्का यह रोग दिख रहा हो बैक्टीरिया पेनिकल ब्लाइट, तो उसी समय प्रिवेंटिव के लिए हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको बतला सकते हैं। लेकिन यदि आपकी धान की फसल पर कुछ बड़ी मात्रा पर यह रोग, यह बीमारी फैल चुकी है, तब ऐसी कंडीशन पर रोकथाम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो यह जो बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट है और साथ ही BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, तो इसकी रोकथाम करने के लिए जैसे खेत पर शुरुआती चरणों पर यह बीमारी रोग दिखे उसी समय आप स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाई ज़्यादातर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी COC और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का स्प्रे करते हैं, तो इससे नुकसान क्या है? यह कॉम्बिनेशन अधिकतर किसान भाई इस्तेमाल स्प्रे तो कर लेते हैं, लेकिन जो बालियाँ होती हैं वह काली पड़ जाती हैं, दाने का रंग चेंज हो जाता है और अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। धान की फसल पर इन सभी रोगों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए एवं बढ़िया से रिजल्ट के लिए टेबुकुनजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% जो कि WG फॉर्म में आती है। अब ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन एक बैक्टीरिया साइट है और वहीं टेबुकुनजोल एक ट्राइजोल ग्रुप का फफूंद नाशक है। 150 ग्राम 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से घोल करके आपको स्प्रे कर देना है, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट परिणाम प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर धान की फसल पर VLV यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के साथ साथ बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट और साथ ही हल्दी रोग की रोकथाम करने के लिए और भी धान की फसल पर जो फंगस फफूंदी जनित रोग आते हैं उनकी रोकथाम करने के लिए आप वायर कंपनी की नेटिव फफूंद नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी पर आपको टेबुकुनजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन मिले आप 150 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं एवं आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन चेकआउट आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर बस इतना ही, धन्यवाद।